गुड मॉर्निंग फैमिली, गुड मॉर्निंग फैमिली। समझ नहीं आता इसके आगे क्या करना है, क्या बोलना है। तो भाई आज है संडे, रविवार। यहाँ पे लक्की भाई अपना काम कर रहे हैं। लक्की भाई बोलो। भाई भाई हम सोच रहे हैं कि खाना बना ले। खाने में कल परसों कद्दू लेके आए थे यार। जब से गांव से आए हैं लगा कि खाना बनाना हार्ड सा हो रहा है ना अंजलि भाई। पहले मुश्किल होती है बहुत बनाना वनाना, तीन तीन टाइम का खाना बनाना। जा रही हूँ भाई मैं, कद्दू बनाऊंगी, कद्दू की सब्जी। आप में से किस किस को कद्दू पसंद है? और आप सोच रहे होगे कि कद्दू मिलना, हाँ मुझे पसंद है कद्दू, हम और लक्की खाते हैं। बताओ हमारे मतलब कद्दू बड़े बड़े होते हैं तो हमारे इधर ऐसे कट करके मिलता है, शायद आपके इधर भी ऐसे ही मिलता होगा। तो ना फ्राइडे मार्केट थी, तीन चार दिन तो हो ही गए, तो ये खराब हो जाएगा कद्दू। तो ऐसे कट करके मिलता है ना कद्दू, थोड़ा सा ये खराब भी हो रहा है, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा। तो आज बनाऊंगी मैं कद्दू। और यहाँ पे मैंने रखा है आटा, तो इसको गूंदेंगे, कटिंग करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं सीताफल की सब्जी और रोटी। तो यहाँ पे अंजलि सब्जी तैयार कर देगी, मैं आटा गूंदूंगा, फिर अंजलि रोटी बना देगी, है ना अंजलि भाई? हाँ। चंगो चंगो, बढ़ियो बढ़ियो। मैं सोच रही थी ना कि हम लोग ओट्स तो खरीद के लाए हैं, तो एक हफ्ता सिर्फ ओट्स खा के देखते हैं और अपना वेट वेट भी देखेंगे। ये भी ठीक है, बनाने का लबड़ा ही खत्म। ओट्स में भी अलग अलग चीजें ट्राई करेंगे, अलग अलग ओट्स। अरे एक हफ्ते यार, चल ठीक है ट्राई करते हैं। एक हफ्ते यार, तीनों टाइम ओट्स। एक टाइम ठीक रहता है, मतलब एक टाइम भी ठीक है, हद मार के खा सकता है बंदा। मैंने अपने दोस्त को बोला ना कि भाई ओट्स ओट्स खा रहा हूँ, तो बोल रहा क्या बीमार हो गया क्या? मैंने कहा नहीं भाई, एक हफ्ता ओट्स का रखते हैं, ठीक है। तो कब से शुरू करेंगे वो आप लोगों को बताना है। वैसे तो कल से शुरू कर देंगे ना अंजलि भाई। और आपको मैं बताऊंगी मेरा वेट कितना ज्यादा हो गया, पता है आपको? इतना ज्यादा हो गया। मैंने ना ऐसी कोई वीडियो देख रही थी, हमारे पास वेइंग स्केल है ही। भाई मेरा मन किया कि चल एक बार वेट देख लेती हूँ कितना है। भाई मैंने देखा, मेरा तो दिमाग घूम गया। अचंभित अचंभित कर देने वाले रिजल्ट। मैंने बोल दो पुट ऑन कर लिया है। मैं आपको बताऊंगी, मतलब आप गेस करो, बताओ कितना हो गया होगा मेरा। आप सब तो वैसे ही बता रहे थे मम्मी के ब्लॉग्स में कि मैं मोटी हो गई हूँ, बट मुझे ही पता है। लेकिन आप मोटापे से मुझे दिक्कत नहीं है, मोटा पतले से मुझे दिक्कत नहीं है, बस ये है कि थोड़ी लेजी हो जाती हूँ, नींद ज्यादा आती है। ऐसा मत बोला करो भाई, दिल से बुरा लगता है। बुरा तो लगता है यार, कोई मोटा मोटा बोलता तो बुरा तो लगता ही है। अरे जी दिल से बुरा लगता है भाई। तो चलिए कोई नहीं, तरह आज हम बना लेते हैं, कल की बात कल देखेंगे। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि उस वीडियो को कैसे दिखाएंगे, जैसे एक हफ्ते का है तो कैसे दिखाएंगे, एक दिन में पूरे एक हफ्ते का दिखाएंगे तो क्या, तो कितनी बड़ी वीडियो होगी। हम तो रोज कुछ ना कुछ बनाएंगे। दिखाइयो लास्ट में एंड रिजल्ट, दिखाइयो रोज रिजल्ट मत दिखाइयो ना। जैसे देख मैंने ओट्स बनाया, मैं ओट्स बना रही हूँ, कभी चीला बना रही हूँ, कभी ओट्स के वड़े बना रही हूँ, कभी ओट्स खिचड़ी बना रही हूँ, पैनकेक बना रही हूँ, कभी चिकन ओट्स बना रही हूँ, कभी पनीर ओट्स बना रही हूँ, कभी सोया, कभी कीमा, कभी कबाब, कभी चीला। तो फिर कैसे दिखाऊंगी वो रेसिपीज? रेसिपी दिखा देंगे, रेसिपी अलग शूट कर लेंगे ना, और उसमें बस दिखा देंगे कि आज ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया। सच बताऊं तो हमारे मम्मी के चैनल पे उसकी ज्यादा रेसिपी नहीं है ना अंजलि, तो फिर हम अपने ही चैनल पे डाल देंगे ना। तो चलो भाई, ऐसे फिर हम एक हफ्ता इसका रखेंगे, फिर हम एक हफ्ता उसका रखेंगे, दलिया का रखेंगे, चल ठीक है। क्योंकि भाई और अभी हम लोग डिटॉक्स वाटर तो पी ही रहे हैं। वजन भाई वजन, डिटॉक्स वाटर से ये बहुत सही होता है कि ना आपको ना पॉटी बहुत आसानी से हो जाती है, मतलब पेट आपका अच्छे से साफ होता है। कहने का मतलब ये है, बच्चों की भावनाओं में मत जाएं, ठीक है। आप में से कद्दू किस किस को पसंद है, आपने बताया नहीं अभी तक। कद्दू तुझे पसंद है लक्की? इसे थोड़ा कद्दू कहते हैं यार, कद्दू तो कुछ नहीं है, टिंडे। मेरा दोस्त ना पंजाबी था, तो मतलब टिंडे की सब्जी ले आया, उसने खोली नहीं। मैंने बोला क्या हो गया, तो बोला मम्मी ने टिंडे दे दिए। तो मैंने बोला यार तुम लोग तो बड़े मस्त से खाते हो, तो बोला नहीं यार मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा चल, टिंडे तो मेरे को भी, टिंडे मेरे को ठीक लगते हैं यार। मेरे स्कूल में टीचर थी ना पूनम छाबड़ा मैम, वो टिंडे खिलाती, मतलब वैसी टीचर थी ना, जो हम अपना लंच शेयर करते थे, मैम अपना लंच शेयर करती थी, वो टिंडे लेके आई थी एक बार, तो मुझे लगा कैप्सिकम है। उन्हें ना भरवा टिंडे बनाए थे और वो बहुत टेस्टी बनाया था मैम ने। मैडम अगर देख रहे हो तो रेसिपी बता देना। हेलो मैम, बहुत दिन हो गए आपसे मिले, बहुत मार खाई है आपसे। ईवीएस की टीचर थी, एनवायरमेंटल स्टडीज मेरी। हमारे में तो देखो, ये हमारे कद्दू कट गए हैं। अगर आपको कद्दू नहीं हुआ तो इसको सांभर में डाल के खा लो, लेकिन जो मेरी रेसिपी है ना
टॉप नॉच है, क्योंकि अगर आप सोचो यार, अगर आप मेरी एज के हो तो आपको भी कद्दू पसंद आ जाएगा। यार मेरी एक दोस्त है ना, वो बोल रही है ना कि डोसा बना के खिला, मैंने कहा छोड़ दे भाई तू फिर मत खा। आसपास में कोई बेचता है अगर वाले? मैंने बोला कि चलना, तो बोली नहीं कि चल मैं तुझे ना अगर खरीद के खिलाना है तो मैं तुझे खिला दूंगी, पर तू अपने हाथ से बना के खिला। मैंने कहा भाई इस जन्म में नहीं, ये नहीं हो पाएगा मेरे से, इस जन्म में ज्यादा उम्मीदें रख ली मेरे। फिर बोल रही पास्ता खिला, मैंने कहा चल पास्ता बना के खिला दूंगा, पास्ता जैसे रेड सॉस पास्ता व्हाइट सॉस पास्ता वो खिला दियो, वो सही भी लगेगा। मेरे हाथ दर्द हो रहा है यार, थोड़ा सा थोड़ा कम बोल। अरे यार हाथ में दर्द हो रहा है, दिल में तो बहुत है। सुन तो क्या कह रहा हूँ, चल क्यों नहीं रहा? हाँ चलिए फिर फटाफट बना लेते हैं, आटा वाटा गूंथ लेते हैं। मैं आपको रेसिपी दिखा देती हूँ ना, एक मिनट रुक जाओ, मैं दो मिनट। भाई टमाटर तो बड़े महंगे हो गए, 40 रुपए किलो कर दिए हैं यार, 60 रुपए किलो है, 60 रुपए किलो कर दिए हैं, ठीक है। बट हमने जब 40 रुपए किलो थे ना तभी हमने खरीद के रख लिए थे 2 किलो, क्योंकि हमको पता था कि बरसात में महंगे हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। और अभी भी ना क्या हुआ, मैं कल परसों मार्केट गई थी, अब कद्दू लेके आई तो मुझे 30 रुपए किलो मिले, तो मैंने 2 किलो ले लिए। तो बताओ क्या किया, एक तो मैंने इसे लाल लिए, लाल रसीले, और एक हरे 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 लिए हैं ताकि ये कुछ दिनों में पक जाएंगे, फिर हमारा हो जाएगा। पापा ने ट्रिक बताई थी मुझे। अब देखो भाई कोई भी सब्जी में टमाटर डाल दो उसका स्वाद बढ़ जाता है, और कद्दू में टमाटर डालो तो मजा आ जाता है। तो मैं यहाँ पे 2 टमाटर डालूंगी, अच्छा, क्योंकि ये पिघल के कम हो जाएगा, तो 2 ओके मोर देन इनफ। तो ना मैं इस रेसिपी का नाम देती हूँ कद्दू टमाटर वाला, कद्दू टमाटर वाला, एमबीए चाय वाला वाली। नहीं, कद्दू टमाटर वाला कैसे होगा यार, कद्दू तो लड़की होती है कि लड़का होता है पता नहीं भाई। सीधा फल है ना, हाँ। सीधा फल क्यों कहते हैं पता नहीं, सीता जी ने खूब बनाया होगा इसीलिए, हो सकता है। एक चीज है, हाँ, सरसों का तेल, सरसों का तेल तो है ही, ये तो डाल ही रहे हैं। हाँ, फिर इसमें ना लाल मिर्च डालनी चाहिए, ओके, ठीक है। बट लाल मिर्च सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, मेरे घर में भी नहीं है। क्या बात है। तो हम डालेंगे हरी मिर्च, तो हरी मिर्च को काट लेंगे बारीक। तो भाई यहाँ पे है हमारे पास हरी मिर्च और लहसुन, तो इसको हमने बारीक काट लिया, इसको डाल लेंगे हम तड़के में। यही पर हम डाल देंगे सीताफल, कद्दू, कद्दू, तो अब सब्जी डाल दिए तो मैं तड़का लगाया ना भाई, एग्जॉस्ट नहीं है भाई, एग्जॉस्ट की जगह बनाई, एग्जॉस्ट खरीद के लाए, और फिर खराब हो गया था बारिश से। यहाँ पर हम टमाटर मटर काट ले रहे हैं, हम टमाटर काट लेंगे। और देखो इसमें आप मसाले तो डाल सकते हो, लेकिन मैं बिना मसाले वाला बनाती हूँ, क्योंकि ऐसे रोटी के साथ अच्छा लगता है। मम्मी मसाले वाला बनाती है, और मसाले वाली, सॉरी चाकू में धार भी लगवाना है, धार नहीं है, बहुत धार है भाई, नहीं है जितनी धार लगवाई हो, चाहे तो धार नहीं लगेगी, नया चाकू ले लीजिए, इससे बढ़िया, ये अच्छी चाकू है, पकड़ने में ग्रिप अच्छी है इसकी। तो मसाले वाली जो कद्दू की सब्जी की रेसिपी मम्मी के चैनल पे मिल जाएगी, आप देख लेना, अगर आपको मसाले वाली खानी है, ये हम टमाटर वाली बना रहे हैं, ठीक है। और अब मेरा सब्जी का काम हो गया, अब लकी आटा गूंद के दे रहा है मेरे को, मैं फटाफट रोटियां बनाती हूं, मैं जा रहा हूँ, आटा गूंदने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे भाई लक्की भाई का लग गया है नंबर, तो यहाँ सोच रहा हूँ अंजलि, क्या चाहता हूँ साइंस म्यूजियम किसी दिन घूम ले, आज 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 तो बेरा निकल गया, 10 बज गए, इस दिन जाऊंगा सुबह 6 बजे उठूंगा, कुछ बनाऊंगा अपने लिए मस्त सा, चलेगी साइंस म्यूजियम, चल छोड़ा के ले जाऊंगा, नहीं तू भी चल लेंगे, क्या दिक्कत है, सोलो सोलो तो उस दिन भी गया था, लेकिन तूने वीडियो तो बनाई नहीं, कोई नहीं इस बार बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लक्की भाई आटा गूंद दे रहे हैं, इसको आटा गूंदना आता है, लेकिन गीला नहीं, लेकिन ठीक है। अभी तो बोला गूंदना आता है, ऐसे भाई बहन है ना मेरे, तारीफ भी कहते ना तो जिंदगी नर्क हो जाती है भाई। कल ना 1 बजे बारिश हो गई, और आज धूप देखो कितनी तगड़ी हो रही है, 1 बजे, अभी 1 नहीं बजे है, लेकिन अभी 10 बजे इतनी तेज धूप हो गई है। ये पेड़ को भी बीच में कट करवाया था, पता नहीं इसमें क्या क्या फेंक दे रहे हैं, कपड़ा शपड़ा फेंक दे रहे हैं। अरे वो उड़ के आ जा रहे हैं, इनका तूफान चला था ना, तूफान। भाई यहाँ पे लक्की भाई अपना काम कर रहे हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या खरीदा है अभी कुछ देर रिसेंट। अरे भाई, तो यहाँ पे हमने खूब सारे सूप लिए हैं, ठीक है,
क्योंकि मम्मी नहीं होती ना तो बेटा तो इंस्टेंट चीजें ही काम आती है ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मंचाओ हॉट एंड सार एक सूप है और एक है हमारा चिकन डिलाइट। मुझे सिर्फ मंचाओ पसंद है, आपको कौन सा पसंद है? मैगी शैगी नहीं लिया बॉस, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा पतला हो ही चुके हैं ना। यहाँ मैंने टमाटर काट लिया है, इसी में रख लिया मैंने टमाटर को भी ठीक है। और यहाँ पे हमारी सब्जी भी पक रही है। ओ भाई उंगली सॉरी। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे चला लेते हैं अभी ना, इसमें अभी क्या कहते हैं नमक मत डालिएगा, क्योंकि ना अभी मुझे तो थोड़ा आइडिया है मन पापा के साथ रह रहे के ये गल के कितना हो जाएगा, लेकिन आपको भी आइडिया हो तो डाल दीजिएगा। लेकिन हाँ नमक तो ठीक था भाई, लेकिन नहीं पहले डाला बहुत बढ़िया। मैंने बोला था यार अगर कम होगा तो देखी जाएगी, ज्यादा होगा तो देखी जाएगी। और हमने कुछ जूस मंगाए हैं, मुझे लगा यहाँ रखे हैं तो पानी की बात भी रखी हुई। ये यहाँ पे जूस हमने मंगाए हैं और दूसरी बार मंगाए हैं, इसमें ऑफर चल रहा है ठीक है। और यहाँ पे हमारा सॉस है, हमारा फिज है और हमारा जैम है। कल परसों में मार्ट गई थी तो मैं ये लेके आई हूँ, ये डेट्स। शुगर की जगह इसको हम ऐड कर सकते हैं। थी ये डार्क चॉकलेट लेके आई हूँ, मैंने इसको एक दो बार ट्राई कर रखा है इसलिए मैं इसको लेके आई। और एक मेरे फ्रेंड ने भी ली थी, क्या नाम था उसका, मिस्ट मूचा था शायद, वो भी टेस्टी था यार। मुझे अपना खा के लगा कि अरे वो तो ज्यादा टेस्टी है, नेक्स्ट टाइम वो ले लूंगी, लेकिन 150 रुपए का है ना, तो एक एक करके ट्राई करेंगे। तो कभी कदार के लिए चॉकलेट का मन करता है तो चॉकलेट, तो चॉकलेट तो यहाँ रखनी चाहिए ना, तो यहाँ हम चॉकलेट रख लेते हैं अपनी। हमारे इधर ना आसपास ऐसे बेचने आते हैं चाउमीन, तो 10 रुपए की दी है ये, तो 10 रुपए की लकी ने खरीदी है। और ऐसे हमने थोड़े बहुत ओट्स लिए हैं, आपको बताया कि ओट्स वाला हम चैलेंज करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने ओट्स खरीदा है। ये ओट्स की मम्मी खरीदी थी तो बच्चा फ्री था इसके साथ, गलत बोल दिया शायद क्या। और ये दलिया है और खूब सारी हमने दालें ली हैं। अभी दालों को डब्बे में नहीं डाला है। और ये सफोला के सोया चंक्स है, ये हाई इन प्रोटीन्स ठीक है। और भाई हमारे इधर ऐसे फल मिलते हैं, हमने फल ले लिए हैं। ये है नाशपाती जो हमने एक भी नहीं खाया है, 3 दिन हो गए आए हुए, आज खाएंगे फिर से। हाँ सुबह से डायरेक्ट शाम को यहाँ आते हैं तो कैसे याद रहेगा, ताकि बोल रहे इसको टेबल पे रख पाऊंगी, इसको तैयार कर यार। पापा के मतलब पापा भी तो ये बोल देते हैं, पापा क्या करेंगे ना कि ऐसी टोकरी थी उसी में ना केले सब लाके हमारे टेबल पे रख देंगे। अभी मैं रखती हूँ इसको टेबल पे, क्योंकि फिर हम जब भी ऐसे कुछ मंचौन करने का मन करता है ना तो यही खा लो ठीक है। और आजकल हम थोड़ा हेल्दी खा रहे हैं, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो हम हेल्दी ही खा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। सोचो हमें आए हुए टाइम हो गया है, कितना टाइम हो गया हमें, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, तो हमारा तेल इतना ही खत्म हुआ है समझ रहे। हम खाना बना रहे हैं, ऐसा नहीं हम खाना नहीं बना रहे, और हमारा रिफाइन ऑयल इतना खत्म हुआ है ठीक है। मगर अगर हम लास्ट टाइम जैसे हम रह रहे थे तो अब तक हमारा 1-2 लीटर खत्म हो जाता है, 1 लीटर तो खत्म हो जाता है हमारा एक हफ्ते में, बट हम इस बार थोड़ा मध्यम खेल रहे हैं। बात है ना कि हम थोड़ा बाहर भी गए हैं तो उसके वजह से थोड़ा बाहर भी खा लेते थे समझ रहे हो। तो सबसे पहले मैं फ्रूट्स को ना एक टोकरी में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने इसमें फ्रूट निकाल लिया है, इसमें 2 फ्रूट है, एक नाशपाती एक बब्बू गोश है। तो जब तक हमारा खाना बनेगा हम थोड़ा रूम साफ कर देंगे, क्योंकि बेड हम नीचे लगाते हैं तो रूम साफ करना है हमें, करके मिलते हैं आपसे। यहाँ पे लक्की ने आटा गूंद दिया है और मैंने आपको बिना दिखाया यहाँ पे टमाटर डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए हमने एक और स्नैक्स की तैयारी कर रखी है, ये मतलब शाम को और खाने से पहले एक बार हम खा लेते हैं। तो ये स्प्राउट्स हैं, इसको आप ऐसे खा लो, चाट बना के खा लो, बहुत बढ़िया लगता है। तो या मैंने यहाँ पे 2 को कर रखा है क्योंकि दाल हम कल परसों खरीद के लेके आए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको हल्दी और सेंधा नमक डालना है, कोई सा भी डाल सकते हैं, मैं सेंधा खा रही हूँ। बस इसको पकने देंगे, जैसे कि पक रहा है मंदिर रूम की सफाई कर लेते हैं और आटे को भी रेस्ट मिल जाएगा, पंखा बंद कर जाएगा। टेंशन नहीं है हमें, तो टेंशन होती है भाई यार। एक असाइनमेंट बनाना है, ये सारे बन चुके हैं, हाँ। तो सबमिट कर दिए, पीडीएफ बना करके देनी होती है। एक सेटिंग देख रहे हैं, अगर मिल जाएगा पीडीएफ बना हुआ तो सिर्फ वाटरमार्क हटा करके सबमिट करा देंगे, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि मिलेगा। कोई ना कोई ना, हम कर रहे हैं रूम की साफ सफाई। भाई ट्राइपॉड जब मिला, जब पूरा घर की सफाई हो गई थी, तो यहाँ पे हमने पूरा साफ कर दिया है। यहाँ पे अपना बेड है हमारा और बस, यहाँ पे रूम अभी हमने क्लीन कर दिया, झाड़ू लगा दिया मैंने, पोछा मैं लगा दूंगी। अभी जूस वाले भैया आए हैं तो लक्की जूस लेने गया है, तो जूस ले लेते हैं। कैसे ले जाना भूल गया था, ये रे जूस वाले भैया, मौसमी का जूस पीते हैं हम।
और आज संडे है तो गली में गाने वाने बजते रहते हैं। सब्जी देख लेते हैं, हमारी सब्जी भी बन गई होगी, देख रहे हो। तो साफ सफाई हो गई थी, मैं जूस लेकर आ गया था, उसके बाद रोटी बना ली, फिर हमने थोड़ा सा सलाद काट लिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सलाद वलाद ले लेते हैं और उसके बाद हम खाना खाएंगे आधे घंटे रुक के। और यहाँ पर हमारे पास स्प्राउट्स भी हैं, तो हम यहाँ पे दो बोल अपने अपने लिए एक एक कटोरा स्प्राउट्स ले लेते हैं। और यहाँ पे मेरे लिए तीन रोटी, दीदी के लिए दो रोटी, और यहाँ पे हमारे पास है फ्रूट और सलाद। तो ये है हमारा आज का लंच, इसमें आप चाहे तो एक दाल भी ऐड कर सकते हैं, हम आज दाल में ऐसे ले रहे हैं। आप चाहे तो दाल ऐसे लिक्विड में भी ले सकते हैं और ऐसे आप स्प्राउट्स में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सब कुछ रख लिया है और हमारे पास एक जूस है, तो यहाँ पे हमने मौसमी का जूस ले रखा है, कोका कोला में मौसमी का जूस पी रहे हैं हम लोग, फील कोका कोला वाली है बस। तो ये है हमारा आज का लंच, तो सफाई वफाई तो कर ली है। ये लकी की प्लेट है और वो मेरी है, ले आ, चलो चलते अंदर। हमने रूम में एसी पहले ऑन कर रखा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है किचन में। और यहाँ पे हम लोग सफाई करते करते हम एक स्टैंड अप देख रहे थे, किचन में देखो कितनी गर्मी हो गई थी। अब हम जा रहे हैं फैन ऑन करने और खाते हैं। आपको ही बताती हूँ कैसी बनी है हमारी कद्दू की सब्जी। थोड़ा कड़वा होता है ये। अभी ना यहाँ बैकग्राउंड में ना बर्तन रखे हुए थे, तो लक्की ने बोला ना, वो नीचे रखे हुए देख रहे हैं आप, उसमें बर्तन है। लक्की बोल रहा है कि ना उसे हम ना वहीं पे लगा देंगे, तो बेटा वो है क्या, नहीं तो सारे बर्तन फिर से नीचे उतरेंगे। मैंने कम बर्तन इसलिए निकालेंगे, कम बर्तन रहेंगे तो हम डेली डेली वॉश कर देंगे, ये तो बर्तन रहते हैं तो हम सोचते कह रहे हैं अभी है अभी है, फिर पता है आपको क्या होता है। यहाँ पे लक्की भी अपना खाना खा लेते हैं। बता लक्की कद्दू की सब्जी कैसे बनी है, क्योंकि भाई मैं तो तारीफ ही करूंगी सलाद वाला खाने के बाद। हाँ,